हेलो दोस्तों, वेलकम टू रासुटेज हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे स्कोलियोडॉन के बारे में। स्कोलियोडॉन, इसे हम कुत्ता मछली नाम से भी जानते हैं, इसे डॉगफिश भी कहते हैं। स्कोलियोडॉन किसके बारे में जानेंगे, आप देख सकते हैं इसकी संरचना किस प्रकार से की जाती है। साथ ही साथ हम जानेंगे इसके लक्षण के बारे में तथा इसके वर्गीकरण के बारे में। इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, संघ, वर्ग, उपसंघ, महावर्ग, गण, इसका क्या होता है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्कोलियोडॉन के लक्षण के बारे में। तो इसके शरीर की बनावट कैसी होती है, इसका शरीर लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। अधर तल पर सफ़ेद सा, पृष्ठ तल पर भूरा सा, इसका जो अधर तल होता है वो सफ़ेद सा होता है और पृष्ठ तल भूरा होता है। पार्श्वों में बटा हुआ होता है, कुछ चपटा होता है, तुर्क रूपी होता है अर्थात धारा रेखित होता है। इसका शरीर कैसा होता है, धारा रेखित होता है, जो कि जल में तैरने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। सिर इसका किस प्रकार से होता है, सिर इसका पृष्ठ एवं अधर तल पर चपटा हुआ होता है। इसका सिर जो होता है आप देख सकते हैं पृष्ठ और अधर तल पर क्या है, चपटा हुआ है। आगे नुकीली तुंड होता है, अधर तलीय चौड़ा और अर्धवृत्ताकार सा होता है। मुख एवं जबड़े दंतयुक्त होते हैं। इसका मुख जो होता है उसमें जो जबड़े होते हैं उनमें दांत होते हैं, दंतयुक्त होता है। मुख के पाँव में एक एक बाह नासा द्वार होते हैं जो केवल घ्राण संवेद अंगों का कार्य ही करते हैं। सिर के पार्श्व में एक बड़ी पलकयुक्त आँखें होती हैं। इसके ठीक पीछे जल क्लोम में संबंधित 5-5 क्लोम दरारें पाई जाती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तैरने के लिए दो जोड़ी पार्श्व पखने और आगे अंश पखने होते हैं। अंश पखने, पार्श्व पखने एवं पीछे श्रोणी पखने होते हैं। एक मध्य अधर पखना भी होता है, दो मध्य पृष्ठ पखने तथा एक पुच्छ पखना होता है। इतने प्रकार के इसमें पखने होते हैं। और नर में श्रोणी पखनों से जुड़े हुए एक जोड़ी मैथुन अंग पाए जाते हैं, यानी कि आलिंगिक होते हैं। नर में क्या होता है, श्रोणी पखनों से जुड़े हुए एक जोड़ी मैथुन अंग, जहाँ पर इसके श्रोणी पखने हैं यहाँ पर एक जोड़ी मैथुन अंग पाए जाते हैं। पूरी त्वचा छोटी छोटी प्लेकाइड सलकों के कारण खुरदरी होती है। इसके पूरी त्वचा पर छोटे छोटे प्लेकाइड सलक होते हैं जिसके कारण ये खुरदरी दिखाई देती है। और इसका पूरा अंतः कंकाल उपस्थियों का बना हुआ होता है। उपस्थियों का पूरा अंतः कंकाल इसका बना हुआ होता है। अंतः संचेचन एवं भ्रूणीय परिवर्धन मादा में गर्भाशय में होता है। इसमें जो मादा होती है उसके गर्भाशय में होता है अंतः संचेचन और भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणों का पोषण पीत पुटक आंवलों के द्वारा होता है। भ्रूण का जो पोषण है वो पीट पुटिक आंवलों के द्वारा होता है, अतः मादाएं बच्चे देती हैं अर्थात ये पिंडज होती हैं। तो ये थे इनके कुछ सामान्य लक्षण। अब हम बात करेंगे इनके वर्गीकरण के बारे में। तो इसका वर्गीकरण होता है, संघ होता है कार्डेटा, उपसंघ होता है वर्टिब्रेटा, समूह इसका होता है नेथोस्टोमेटा, महावर्ग होता है पीसीज, वर्ग होता है कांड्रिकथीज, उपवर्ग इसका होता है इलेस्मो क्रेंडाई, इसका उपवर्ग होता है तथा गण इसका होता है स्वेक वैली फार्मिस, इसका गण होता है। तो ये आज आपने जाना स्कोलियोडॉन यानी कि कुत्ता मछली के लक्षण के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, तथा आपने देखा कि किस प्रकार से संरचना की जाती है कुत्ता मछली की। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।